आप लोग कौन है मुझे रोकने वाले? शौचालय बनवाइए, मसाज का खुद बनवाना होगा शौचालय, कमाई नहीं करते हम क्यों बनवाएं भाई? ठीक है आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं भैया तू रोज गलती करता, बार बार गलती करता, आगे से गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आगे से गलती। नहीं भैया अब निकल आएगा तो लट से पीटेंगे तेरे को, दोबारा ना करा बिल्कुल नहीं करेंगे गलती आगे से। जब निगरानी समिति में आप थे, जब आप काम करते थे, तो घर से ऐसे कुछ सुनने को मिलता था या गांव वाले से कुछ सुनने को मिलता था? गालियां मिलती थी, हमारे लोग मेरे को गालियां निकालते थे, ऐसे चली जाती हैं, ये लोग इनको ऐसे कहेंगे, लोग इनको ऐसे कहेंगे, तो हमने कहा जो बोलता बोली जाने दो, ये तो समाज सेवा कर रहे हैं हम तो। ये लैटरिन बैठना बंद करेंगे बाहर तो सबका ही भला है, हमारा अकेले का नहीं है। पहले तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, भोले लोग होते थे, अरे कुछ नहीं होता, बाहर जाते हैं क्या होता। उस दिन वो आदमी को आपने देखा, कह रहा मैं तो आऊँगा आऊँगा, जा अपनी सरकार को बोलो, क्या सरकार इनके घर में लैटरिन करने आएगी? हमने इसको बोला कि अपना काम है तुम्हारा, लैटरिन आपने जाना, आपको मतलब जरूरत है, किसी को तो नहीं जरूरत है सर, तो जिनको जरूरत है भी अपने घर का काम वो ही कर सकता है। जिन घरों में शौचालय था भी वो भी प्रयोग नहीं कर रहे थे, और गांव के गांव में सबसे बड़ी बात देखने में आई, जैसे ही हम किसी गांव में प्रवेश करते तो उस गांव के प्रवेश के सड़क पे दोनों ओर कुरड़ियां होती थी, गंद के ढेर, और गंद के ढेरों की ओट में शौच ही शौच, खुले में शौच जाना, मतलब इट वॉज अ रैम्पेंट हैबिट विद पीपल। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, तो हमें एक चीज़ निकल करके आई कि लोग इसमें बार बार ये सोचते हैं कि सरकार क्या करने वाले हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान जब कुरुक्षेत्र में आया था, ये लगभग 2004 में आया था, तो उस समय हमें सिर्फ यही पता था कि शौचालय बनाने हैं। एनजीओस के माध्यम से, उनके कोऑपरेशन से लेकर के हमने जो है उस समय 600 रुपये कॉस्ट होती थी शौचालय की, तो हमने लगभग एक साल के अंदर अंदर 10-12 हज़ार शौचालय बनवाए। लेकिन सरकार के मदद से जो शौचालय बने भी वो प्रयोग तो नहीं हुए, इसका मतलब एक बात सिद्ध हो गई कि सिर्फ पैसे से शौचालय नहीं बनता। वैसे में क्या लगता था कि घर में बनाना ठीक है कि नहीं है? उस समय तो नहीं थी, इतनी ईंटा लगाएंगे बरान होवेंगे क्या लोड़ आ, बस नहीं कह देते जत्तो साहब, बस जत्तो गाँव की तरह जी, जितने गाँव के बाहर जाते इस तरह चले जाते सारे, सारी तरह के लोग थे। कुछ ने कहते हमारे तो टॉयलेट में बैठ के लैटरिन आती नहीं है। उस टाइम तो तभी भी बाहर खुली जगह पड़ी है, वही खुले में जाते थे, बारिशों में खड्डे भर जाते थे, फिर खड्डों में भरे पीछे कहाँ बैठे, फिर झाड़ियों की ओट लेनी पड़ती थी और क्या करना। कई शौचालयों में गोस्से सूडे हुए थे, कईयों ने लकड़ियां घेरी हुई थी, कईयों ने बकरियां तक बांधी हुई थी, और एक एक गांव है गड़ी रुड़ान, उसमें तो एक परिवार ने शौचालय में चूल्हा बनाया हुआ था, वो उसमें खाना बनाती थी,
जब हमने उससे बातचीत की भाई ये क्या चीज़ है और किस लिए बनाया गया है, तो उसका ये कहना था भाई ये तो सरकार ने बहुत अच्छा चूल्हा दे दिया हमारे को, ये भाई खाना बनाओ और खाना बनाने के बाद पानी घेर दो, राख भी अंदर चली जाएगी। तो हमें लगा ये गाँव खुले में शौच मुक्त कभी भी नहीं होगा। सारे आ गए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ ये क्या चीज है, है? इसके ऊपर ये क्या बैठी है, ये मक्खियाँ बैठी हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ ये क्या चीज है, पानी, साफ पानी है, ये पानी है ना, इसको पियोगे आप? पियो, देखो साफ पानी पी लिया है। अब लोगों को जो है WSP और फीडबैक वेंचर वालों से मिलवाया, उनसे पहली मुलाकात में जब हमने बात की उनसे, तो उन्होंने बताया कि खुले में शौच मुक्त गांव जो है एक दिन में हो सकता है। मैं आपके सामने ही ये मैंने एक बाल तोड़ा, ये बाल देखा ना, ये घुमाया और ये इसमें, अब पियोगे? देखो बाल कोई दिखाई देता है, नहीं दिखाई दिया ना। उन 5 दिन की ट्रेनिंग में हमने इसको सीखा कि किस तरीके से, बेसिकली ट्रिगर टूल है। ट्रिगर मतलब कि एक उसका जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट किस तरीके से आएगा। इस टट्टी को मक्खियां अपने पैरों पे लगा के वहाँ छोड़ती हैं भोजन के ऊपर, तो इसने भोजन के ऊपर क्या छोड़ दिया, टट्टी छोड़ दी। और हमने रोटी के साथ साथ क्या खा लिया बताओगे? हाँ, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। इससे हमने सच्चाई में है बिल्कुल कि रोटी के साथ साथ हमने टट्टी खा ली, हम टट्टी खाते हैं। अगर हम सीधे सीधे किसी को ये कहें कि तू टट्टी खा रहा है, तो वो एकदम से पिटाई कर देगा, अनलेस एंड अंटिल कि वो खुद से ये ना कहे कि हाँ मैं खा रहा हूँ। जैसे उनको ये बात समझ में आती थी ना, एकदम से उनको लगता था यार ये तो मैं बहुत गंदा काम किया मैंने। मैं आप माताओं से पूछता हूँ, इस बहन ने घूंघट क्यों किया हुआ है? इस है जी, हाँ अच्छी बात है, घूंघट करना चाहिए बड़ों से। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, घूंघट तो ऊपर से कर लिया, और जब ये चीज खोल के सुबह सुबह बैठ जाते हैं, असली इज्जत ढकनी ये जरूरी है, अकी ये जरूरी है? मेरे को एक सवाल का जवाब दो। जैसे हम यहाँ बहुत हरियाणा में बात करते हैं इज्जत मान के, तो हमने इस सेंटीमेंट को लिया, कह रहे इज्जत मान कैसा, अगर तुम्हारी बहू बेटी घर से बाहर जा रही है शौचालय करने के लिए, उसको कोई छेड़ दे सकता है? दूर दूर जाना पड़ता था, कभी रात को जाती थी, सड़क के पास बैठती थी, कोई आदमी आता कभी उठ गई कभी बैठ गई, बहुत परेशानी होती थी। तो ये निकल करके आया कि महिलाएं अमूमन ये चाहती हैं कि घर में शौचालय होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये बहन ने ठीक कहा भाई, असली इज्जत ये ढकनी जरूरी है, वो घूंघट फिर भी चल सकता है लेकिन ये चीज ढकनी जरूरी है। तो क्या इस गंदी प्रथा को आप अपने गांव से अपनी बस्ती से दूर करना चाहोगे? सब तैयार हैं, हाथ खड़ा करो जो सब तैयार हैं। और हमने कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन कैंपेन हमने चलाई, यानी समुदाय इसको संचालित करेगा, इसको कोई ADC नहीं चलाएगा, इसको समुदाय कैसे संचालित करे? तो ये बताते थे कि भी हम तो डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, मेरे अपने गांव में किसी को टट्टी नहीं करने देंगे खुले में। सबसे पहले तो ADC ऑफिस से मेरे पे मैडम ने बीड़ा उठाया, उसके दफ्तर से एक दो आदमी आए, लोगों को समझाया भी इससे ये बीमारियां फैलती हैं, बाहर जाते हैं हम गंद खाते हैं, वो भी बताने के लिए आते थे, हम भी आते थे। हमारे आगे प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं जिन जो टोटल सैनिटेशन कैंपेन के इंचार्ज हैं, हमारे आगे असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, और फिर उसके आगे हमने मोटिवेटर्स की टीम बनाई।
तो हमारे नीचे निगरानी कमेटियाँ काम करती थी। हम जैसे गांव-गांव में जाके हम निगरानी कमेटी बनाते थे कि गांव में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने गांव का विकास करने के लिए सबसे आगे आएगा। तो फिर मतलब एक लेडीज हाथ उठाती थी, फिर दूसरी, फिर कोई जेंट्स उठाता था, तो फिर उनको देख के फिर हम उनकी निगरानी कमेटी बनाते थे, जेंट्स लेडीज मिक्स कमेटी। वो आकर मेरे को कहता फलाने लेडीज नहीं रुकी, फलाना जेंट्स नहीं रुके। तो मैं उसके घर जाता था, घर जाकर मैं कहता पल्ला फसारता भी लाइटिंग मेरे पल्ले में डाल दो, मैं बाहर गिर आऊंगा इसको। एक बार गया या दो बार गया तो तीसरे बार में उसको आगे भेज, जब यही सरपंच ऐसा कर रहा तो हम क्यों ना अपने शौचालय में बैठे। क्षेत्र जिले में स्वच्छता यात्रा का पहला पड़ाव गांव दाऊ माजरा। यहां पर न केवल दाऊ माजरा गांव के लोग बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी बेसब्री से स्वच्छता यात्रा के आने का इंतजार कर रहे हैं। 2008 में जो है 7 दिन की स्वच्छता यात्रा स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान की थी और 4 डिवीजन जैसे हमारे यहां पे हैं, गुड़गांव, हिसार, रोहतक और अम्बाला डिवीज़न, तो वहाँ से 4 जगह से अलग अलग जगह से स्वच्छता यात्राएं चलाई गई। अम्बाला से चलकर स्वच्छता यात्रा कुरुक्षेत्र जिले में प्रवेश कर चुकी है। खोरीपुर गांव की स्वच्छता कमेटी आई है, आप कृपया बताएं कि आप कैसे। हमारे गांव में बिस्तरी हो रहा है, बहुत ही गंद था पहले, तो बहुत सुधार बहुत बढ़िया जय स्वच्छता। कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, बीमारियां लगती हैं, अगर हम घर में शौचालय बनाएंगे उसकी वजह से हम कई बीमारियों से मुक्त हो सकती हैं। हमने कई ऐसी लड़ियों को अपने आप ग्रुप बनाया, जो जेंट्स थे वो हमारा विरोध करते थे। ऐसी क्या बात थी कि आप इतना डटे रहे? स्वच्छता यात्रा की कमान हाथ में आते ही कुरुक्षेत्र वासियों का जोश हिलोरे मारने लगा है। स्वच्छता यात्रा का एक मैसेज ऐसा गया कि हर गांव में ये मैसेज गया कि हमने जो है अपने गांव को साफ सुथरा करना है और खुले में शौच से मुक्ति से एक कदम और आगे जाकर के गांव की साफ सफाई पे बात आने लगी। स्वच्छता यात्रा निरंतर जारी है। हमने मेहनत की थी, हमारे को कुछ मिला है, तो फिर हरियाणा सरकार ने भी हमारे को इसके बारे में पूरा 5 लाख रुपए का इनाम और उसके बाद प्रशंसा पत्थर मेडल हमारे को दिया। उन्होंने भी हमारा पूरा मान सम्मान किया, भाई इतना बढ़िया काम किया सरपंच ने, इससे बड़ा और क्या होता है। कोई भी आता है बाहर से रहे हैं, कभी दिल्ली से रहे हैं, कभी जर्मन से रहे हैं, कभी श्रीलंका से आ रहे हैं, कभी नेपाल से आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है उससे। मैंने भी मेरे गांव को देखने के लिए आते हैं। ये भी लोग जाते हैं, फिर भी जाते हैं, जाते हैं लोग। कब सर पते कैसे जाते हैं वो, जब जाते हैं ना रात को सोने के टाइम जाते हैं, जब लोग सो जाते हैं ना फिर जाते हैं, जब जागते होते हैं ना फिर नहीं जाते, क्योंकि उनको पता ही है हमारे को डांटेंगे और हमारे भगाएंगे हमारे को। होता जी, मैं बीच में कहा था, अभी भी ऐसा बंदा है जो मैं बीच में थोड़ा सा कर देता है, होता अभी भी होता, पर हम उसको समझा लेते हैं।